व्हाट इज द डेंजर, व्हाट इज द डेंजर जोन, डेंजर जोन से क्या समझते हो, डेंजर जोन से क्या समझते हैं अभी देखते हैं। व्हाट इज द डेंजर जोन रेंज ऑफ टेम्परेचर इन द फूड हैंडलिंग, यानी जो भी फूड हैंडलिंग करते हैं, जो भी फूड हैंडलर होते हैं, जो भी फूड हैंडलिंग करते हैं, वहां पर जो डेंजर जोन होता है उसका टेम्परेचर क्या होता है। एक्चुअली में आपसे ये सब पूछा है, जहां पर क्या किया जाता है, फूड हैंडलिंग की जाती है, फूड हैंडलिंग किया जाता है, वहां का जो डेंजर जोन होता है उसका एक्चुअल टेम्परेचर क्या होता है। टेम्परेचर आपसे पूछा है, काफी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर आपको देना है। यहां से 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, स्टार बना लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत सारे स्टार बना लीजिएगा इस पे। चलेगा पहला ऑप्शन यहां पर 50 to 100 फॉरेनहाइट, 50 to 100 डिग्री फॉरेनहाइट। सेकेंड ऑप्शन है 80 to 120 डिग्री फॉरेनहाइट। थर्ड ऑप्शन देखिएगा 40 to 140 डिग्री फॉरेनहाइट, 40 to 140 डिग्री फॉरेनहाइट। और फोर्थ ऑप्शन देखेगा 100 to 212 डिग्री फॉरेनहाइट, 212 डिग्री फॉरेनहाइट। चलेगा आंसर आपको देना है, डेंजर जोन का टेम्परेचर आपको बताना है, जल्दी से आपको आंसर देना है, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, डेंजर जोन आपको बताना है, फटाफट से बता दीजिएगा डेंजर जोन का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, फटाफट से बता दीजिएगा क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, जल्दी से बताइएगा क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, डेंजर जोन का टेम्परेचर क्या होगा। उम्मीद करता हूं सबको याद होगा, जिसको याद नहीं है वो याद कर लीजिएगा, दिमाग में फिट कर लीजिएगा, दिमाग में बैठा लीजिएगा, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। चलेगा इस क्वेश्चन का अगर अपन आंसर देखें तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, दैट इज ऑप्शन नंबर थर्ड, बिल्कुल राइट आंसर है। डेंजर जोन का जो जनरली टेम्परेचर होता है वो कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए आपका 40 से लेकर 140 डिग्री फॉरेनहाइट, क्योंकि अगर अपन देखें तो 40 से कम डिग्री पर टेम्परेचर पर जो बैक्टीरियल वगैरह होते हैं, इस टेम्परेचर और इस टेम्परेचर पर काफी डिफरेंस होता है। आपको याद रखना है जो डेंजर टेम्परेचर होता है वो यही होता है, यानी 40 और 140। अगर इसको अपन सेंटीग्रेड में देखें तो सेंटीग्रेड में आप कन्वर्ट कर लीजिएगा, सेल्सियस के अंदर आप कन्वर्ट कर लीजिएगा, क्योंकि यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा 100%। देखिएगा अगर सेंटीग्रेड में देखें तो 5 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 60 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आपका डेंजर जोन है। 5 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 60 डिग्री सेंटीग्रेड ये आपका डेंजर जोन है, क्योंकि यहां पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म काफी स्पीड से क्या करती हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो याद रखेगा ये टेम्परेचर आपका क्या होता है, डेंजर जोन होता है। इस टेम्परेचर पर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, वेरी फास्टली क्या करते हैं, मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। इसीलिए यहां पर आप देख लीजिएगा डेंजर जोन का टेम्परेचर, चाहे सेल्सियस में पूछे या फिर फॉरेनहाइट में पूछे, दोनों डिग्री में मैंने आपको बता दिया। अगर सेंटीग्रेड में आपसे पूछता है तो 5 डिग्री सेंटीग्रेड से 60 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, और अगर आपसे फॉरेनहाइट में पूछे तो 40 डिग्री फॉरेनहाइट होना चाहिए, और सेंटीग्रेड में 5 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 60 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो नोट कर लीजिएगा, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा।